इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो दो टाइप से क्लासिफाई की जाती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड जो होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। एक तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरी कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको दो टाइप से या दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसके कंपोजिशन को चेंज किए बिना मेजर किया जा सकता। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर ठीक है विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मेटर की वो प्रॉपर्टीज जिनको सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना या उसके कंपोजिशन को चेंज किए बिना मेजर किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं उन्हें, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब आइडेंटिटी या कंपोजिशन का मतलब है जो सब्सटेंस जिन कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जिन चीज़ों से वो बेसिकली बना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं टाइम पे, उनमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के, फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं कलर। ठीक है, अब कलर हम जानते हैं सिंपली कि जिस सब्सटेंस को देख के हम कलर बता सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर, उसकी जो स्मेल है, ठीक है, उसमें भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं करना पड़ता, स्मेल को हम जस्ट स्मेल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेंसिटी जो है वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सब क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इनको मेजर करते टाइम पे सब्सटेंस की कंपोजिशन की जो बेसिक आइडेंटिटी है उसमें चेंज नहीं होता है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते टाइम पे सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज जरूर हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर। अब वाटर में जो बेसिक कंपोजिशन है इसका मतलब है वो H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सिंपली हम जानते हैं इतना सा बेसिक में आता है वाटर किससे, H2O से बना है। अब वाटर के लिए कलर का मेजरमेंट करना हो, हम जानते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, देख के पता लगा दिया। स्मेल का पता करना हो, स्मेल लेस है, ये भी पता कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जब पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाटर को टेम्परेचर करके हीट करेंगे, बॉइल करेंगे। ठीक है, तो वाटर लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा पर उसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा। लिक्विड फेज में भी वाटर H2O से बना रहेगा और जब उसकी वेपर बनेगी तो भी वाटर में क्या, H2O ही प्रेजेंट होगा, मतलब बेसिक कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आइडेंटिटी या कंपोजिशन को चेंज किए बिना डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज in which it undergoes change in identity or composition alone or by the interactions with other substances।
ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको मेजर करते हैं टाइम पे। सब्सटेंस में या तो खुद में कोई केमिकल चेंज होगा, या उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन में कुछ चेंज होगा, या किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन की वजह से उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन में चेंज होगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको मेजर करते टाइम पे सब्सटेंस की आइडेंटिटी, ठीक है, या उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, या फिर किसी दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से चेंज हो जाएगी, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल्स में देखो, जैसे एग्जांपल्स है एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी, ये सब किसके एग्जांपल हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, कंपोजिशन या आइडेंटिटी में किसे चेंज होगा? देखो इसको ध्यान से, सपोज करो हम इसमें से एक प्रॉपर्टी लेते हैं, कंबस्टिबिलिटी लेते हैं। अब केमिस्ट्री में कंबस्शन का मतलब क्या समझना है? केमिस्ट्री में कंबस्शन का मतलब समझना है कोई भी सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस किससे रिएक्ट करे? एयर से रिएक्ट करे, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करे मेनली। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, मतलब उसका कंबस्शन हो जाता है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करना, ठीक है, ये कंबस्शन है। सपोज मैं क्या लेता हूँ? कार्बन। अब कार्बन की रिएक्शन किससे करवाई मैंने? ऑक्सीजन से। जब कार्बन का पता करना है कि कार्बन का कंबस्शन होता है या नहीं होता है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी? कंबशन। कंबशन का पता करने के लिए कार्बन को जब मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो कार्बन की जो बेसिक आइडेंटिटी है, इसका बेसिक कंपोजिशन है, यहाँ पे केवल कार्बन के पार्टिकल है जिसे रिएक्ट किया, अब ये CO2 का एक अकेला पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी, उसका कंपोजिशन बदल गया, कब? प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के दौरान। ठीक है, इसलिए ऐसी प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल सा बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको मेजर करते टाइम में सब्सटेंस में किसी न किसी टाइप का केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन था एक, अब इसमें किसी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इसके कलर डेंसिटी वगैरह को चेंज करते तो भी कार्बन पार्टिकल रहता, पर कम्बशन को मेजर करा, कम्बशन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी को जब मेजर करोगे तो इसकी कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा, कार्बन की जगह कौन बन गया? CO2 बन गया। ठीक है, तो कंपोजिशन या आइडेंटिटी बदल जाएगी, किस प्रॉपर्टी में? केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में कंपोजिशन या आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसकी? मैटर की। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अलावा अलग से ही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैटर की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर की साइज पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन साइज, और बोल सकते हो अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर की अमाउंट पर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटेंड हो जाती है अमाउंट बढ़ने के साथ साथ, जैसे कि मास। ठीक है, जैसे हम ले लो, ठीक है, स्टोन का टुकड़ा ले लो, एक छोटा टुकड़ा है तो उसका मास क्या होगा? कम। जैसे उसमें मैटर बढ़ेगा, बड़ा टुकड़ा होगा तो उसका मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होगा? अमाउंट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, आधा ग्लास पानी है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ग्लास बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब वो प्रॉपर्टीज है जो अमाउंट बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, मतलब अमाउंट बढ़ने के साथ साथ एक्सटेंड करती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है वो क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, कलर।
कलर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस बोर्ड को ही ले लो, इस बोर्ड के इतने से टुकड़े को बोलो तो भी व्हाइट कलर, इतने बड़े टुकड़े को बोलो तो भी व्हाइट कलर, ठीक है। तो कलर की जो प्रॉपर्टी है इंटेंसिव, ठीक। साइज कितना भी हो, एक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, कलर नहीं बदलेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो हो सकता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस बोर्ड के लिए यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो यहाँ मेजर करूँ, यहाँ मेजर करूँ, यहाँ मेजर करूँ, सब जगह एक ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी कैसी है? इंटेंसिव, मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंथ क्लास में हम पढ़ के आए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। सब्सटेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक। जैसे ग्लास का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या है, चाहे इतने से वाटर के लिए देखो, चाहे बहुत ज्यादा वाटर के लिए देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सेम होता है। पर्टिकुलर मीडियम का, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, अब चाहे एयर की इतनी क्वांटिटी हो चाहे ज्यादा क्वांटिटी हो, ठीक है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैटर की या सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। और अगर अमाउंट पर डिपेंड करती है तो क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट्स होते हैं उनकी, और उसमें भी सबसे पहले जो मेजरमेंट्स देखे जाएंगे वो किसके देखे जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज के। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है? जनरली हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे मेजरमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमें मिल्क लेना है, तो मिल्क के लिए हम क्या वॉल्यूम को यूज करते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, तो हमें पता चल जाता है इतना वॉल्यूम मिल्क, इतना वॉल्यूम मिल्क, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो वहाँ हम जो मेजरमेंट करते हैं मास की फॉर्म में करते हैं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज़ की होती है? एक तो नंबर और एक यूनिट, ठीक है। नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 जो किसको बताता है? अमाउंट को। नंबर किसको बताता है? अमाउंट, ठीक है। और यूनिट किसको बताती है? यूनिट बताती है किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूंगी। सपोज मैं मार्केट में मिल्क लेने गया और मैंने मिल्क कितना लिया? 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है। तो 1 तो किसको बता रहा है? अमाउंट को, नंबर को। और लीटर किसको बता रहा है कि मैंने जो मेजरमेंट किया वो किस फिजिकल क्वांटिटी का किया? वॉल्यूम का मेजरमेंट किया। सपोज मैं वेजिटेबल लेने गया, मैंने 2 किलोग्राम क्या लिया? कोई भी वेजिटेबल ली, तो यहाँ पे 2 तो अमाउंट को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, और किलोग्राम किसको बता रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को। किलोग्राम किसको बता रहा है? फिजिकल क्वांटिटी को, कि यहाँ पे मैंने किसकी बात की? मास की बात की, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए जो बेसिक नीड है वो क्या है? एक तो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब मेजरमेंट्स के, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके मेजरमेंट्स के दुनिया भर में अलग अलग मेथड है, ठीक। यूनिट्स भी अलग अलग है, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम यूनिट मेजरमेंट का एक्सेप्ट किया गया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। दुनिया भर में यूनिट के मेजरमेंट्स अलग अलग है, बहुत सारी यूनिट मापी जाती है। जैसे मास की अगर बात करो तो मास किलोग्राम में, ठीक है, पाउंड में, ठीक। इसके अलावा ग्राम में, मिलीग्राम में, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है, ठीक। तो सब जगह की यूनिट्स अलग अलग है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड यूनिट मेजरमेंट का जो सिस्टम बनाया गया उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसको? एसआई सिस्टम। अलग अलग सिस्टम भी है पर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? केवल एसआई सिस्टम पढ़ना है, बाकी जो सिस्टम है वो फिजिक्स में पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट, इसको एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यूनिट मेजरमेंट देखेंगे,
अब एसआई सिस्टम में क्या किया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, सेवन बेसिक यूनिट्स मानी गई है। सात ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो इन्होंने बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में मानी गई है, और बाकी जितनी भी अदर यूनिट्स है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट्स को इन सात फिजिकल क्वांटिटीज से बना हुआ माना गया है। ठीक है, ऐसा सिस्टम में सात फिजिकल क्वांटिटीज को क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, और उन सात फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बाकी दुनिया भर की अदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या की जाती है, डिराइव कर दी जाती है। ठीक है, इन सात बेसिक यूनिट्स को क्या बोला जाता है, बेसिकल यूनिट्स, और बाकी जो दुनिया भर की यूनिट्स है उनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि वो इन सात से बनाई जाती है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, दो चीजों की, एक तो नंबर की और एक यूनिट की। ठीक, तो यूनिट क्या चीज होती है, देखो इधर यूनिट, ठीक है, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, स्टैंडर्ड चीज है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के। ठीक है, जैसे लेंथ है तो लेंथ को स्टैंडर्ड क्या माना गया है, लेंथ के लिए मीटर। ठीक है, तो मीटर क्या है, उसकी यूनिट है जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, किसके लिए, लेंथ के लिए। मीटर कहीं भी मिल जाएगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो अ यूनिट इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, क्या, यूनिट। तो ये बताती है कि किस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब यूनिट्स मेजरमेंट का जो एसआई सिस्टम है, उस एसआई सिस्टम ने सात ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दी जिनको बेसिक माना गया है, वो इंडिपेंडेंट है, और बाकी जो यूनिट्स है उनसे बनाई गई है। तो वो कौन कौन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या क्या है, वो इस लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, इस टेबल में मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहली जो बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ के लिए सिंबल स्मॉल एल यूज किया जाता है, और इसकी जो एसआई यूनिट है, जो एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट है, वो क्या है, मीटर, और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एल। ठीक है, सेकेंड जो है वो है टाइम। टाइम के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा, टाइम के लिए सिंबल यूज किया जाएगा स्मॉल टी, इसकी जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो है सेकेंड, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल है, वो है स्मॉल एस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है मास। मास के लिए रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एम, इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, केजी। ठीक है, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, केजी, किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी की बात हो रही है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक बोलने का रीजन है क्योंकि इसकी जो स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोला गया है, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी, और इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, अब तक हम डिग्री सेंटीग्रेड या फारेनहाइट बोलते थे, क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस। ठीक है,
नेक्स्ट जो यूनिट है ये कितनी, 5 यूनिट्स हो गई। इसके बाद 7 में से 6 नंबर पे जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए जो सिंबल वो है स्मॉल एन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन। इसकी जो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वो है मोल, ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन है एल, एम ओ एल, ई आर डब्ल्यू आर एस, ठीक है। और लास्ट जो 7 बेसिक क्वांटिटी है वो क्या है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई के नीचे न्यू लिख, क्या है ये न्यू, क्या बोला जाता है इसको न्यू, ठीक है, आई न्यू, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, लाइट रेडिएशन की पावर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ज्यादा भी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा नहीं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीडी से, ठीक है। तो ये वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको एसआई सिस्टम ने बेसिक क्वांटिटीज बोला गया है, उनकी यूनिट क्या बोली है, बेसिक। बेसिक क्यों, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, बाकी जितनी भी दुनिया भर की फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स इनसे मिलके बनी होती है, इसलिए इनको बेसिक यूनिट और बाकी को क्या बोला जाता है, डेराइव्ड यूनिट बोला जाता है, क्लियर।